हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डेल्टा वीएफटी, जो कि हमारे पास डेल्टा वीएफटी ईएल मॉडल में है। और ये सिंगल फेज टू थ्री फेज आउटपुट, यानी सिंगल फेज इसका इनपुट है और थ्री फेज इसका आउटपुट है। ओके, तो ये देखेंगे कि हम इसके अंदर किस तरीके से पैरामीटर्स सेट करते हैं, कैसे हम एक्सटर्नल स्विच, एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर को इसके साथ इंटरफेस करते हैं। ओके, और कैसे हम एक इसके अंदर एक रिले है, रिले से हम किस तरीके से इसका आउटपुट हम इस तरीके से लेंगे कि जैसे हमने इसको ऑन किया तो हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि हमारी जो ड्राइव है वो ऑन हो गई है। और जैसे हम देखिए इसको ऑफ करेंगे सो ये अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम इसको खोल के, तो देखिए सिंपल एक हमने क्या किया है, इसके अंदर लाइव और न्यूट्रल दे रखा है एमसीबी के अंदर। एमसीबी से जो आउटपुट जा रहा है वो हमारा सीधे ड्राइव के इनपुट में जा रहा है, और इसी से जस्ट एक कनेक्टेड पैरेलल में हमारे पास एक रेड इंडिकेटर है जो हमें शो कर रहा है कि लाइन ऑन है, यानी पावर आ चुकी है लाइन में। ओके, देन ये वीएफटी का एलसीडी है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये इसका कीपैड पोटेंशियोमीटर है, और ये इसका रन बटन, ये स्टॉप बटन, ये अप डाउन के लिए, ये मोड और ये एंटर, जो कि हम पैरामीटर्स को इंस्टॉल करने के अंदर यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम इसका एक ये लिड हटा लेते हैं। जैसे ही हम इसकी ये लिड हटाएंगे सो हमें यहाँ पर कुछ कनेक्शंस मिलेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहां पर हम देखेंगे कि ये इस वीएफडी के इनपुट टर्मिनल्स हैं। ये हमारे पास इनपुट टर्मिनल्स हैं। ये आपके रिले के हैं, ये आपके 24 वोल्ट है, ये MI1 है, MI3, MI5, 10 वोल्ट AVI, और इसके नीचे ACM, और आप देख सकते हैं AFM, DS, DCM, ये कुछ इसके पैरामीटर्स जो यूज करेंगे हम यहाँ पर, ये वो सब है। सो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी है या इसके अंदर पैरामीटर इंस्टॉल करने, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके साथ एक मैनुअल भी आता है, अगर आपको मैनुअल पढ़ना आता है तो आप खुद इसकी पैरामीटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैंने जो इसकी पहले से प्रोग्रामिंग की है वो क्या करी है कि देखिए मैं एक्सटर्नल स्विच से इसको ऑन करूंगा, तो देखिए ऑन करते ही मेरी एलईडी ऑन हो गई, और यहाँ पर जो मेरा रन स्टेटस है वो मुझे रन दिखा रहा है, और वो भी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, जैसे ही मैं यहाँ से कीपैड से देखिए बाहर के पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ, तो देखिए मेरी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है, यानी घट रही है या बढ़ रही है जैसे मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। सो ये क्या है, एक्सटर्नल से। अब मैं देखिए इसको इंटरनल से करना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसका इंटरनल जो पोटेंशियोमीटर है वो रोटेट करता हूँ, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। क्यों? क्योंकि मैंने इसका आउटपुट इनेबल कर रखा है, इनपुट वाला जो कीपैड है, जो इसका इंटरनल कीपैड है, वो मैंने इसको ऑफ कर रखा है। सो एक्सटर्नल जो मेरे पास पोटेंशियोमीटर है मैं इससे उसको वेरी करा रहा हूँ। तो ये सारे पैरामीटर्स किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, अगर आपके पास वीएफडी है तो आपको एक मैनुअल मिलता है, और मैनुअल के अंदर आप जाके देखेंगे अपने ऑपरेशन मेथड पैरामीटर्स में। ओके, ऑपरेशन मेथड पैरामीटर्स में आप देखेंगे कि आप किस किस तरीके से इसमें पैरामीटर्स को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं, पहले अपनी ड्राइव को ऑफ कर देते हैं, यानी आउटपुट जो जा रहा है वो ऑफ कर दीजिए सबसे पहले, पैरामीटर्स इंस्टॉल करने से पहले हमेशा करिए इस तरीके से, या फ्रीक्वेंसी जीरो कर दीजिए या मैक्सिमम कर दीजिए। ओके, ये इससे क्या होता है कि कभी कभी आप पैरामीटर इंस्टॉल करते हो तो कुछ एरर्स जो आते हैं वो नहीं आते हैं फिर। ओके, सबसे पहला हम जो पैरामीटर देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमने जो
एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर है वो किस तरीके से इनेबल किया है। अभी तो हम इंटरनल से कुछ नहीं कर रहे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनल पैरामीटर अपने सॉरी इंटरनल पोटेंशियोमीटर को इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले ये एंटर वाला जो बटन है इसको आप प्रेस करिए वन टाइम। तो देखिए कुछ आप जब शुरू शुरू में लाएंगे, जब आप एंटर करेंगे तो ये 00 होगा। आपको क्या करना है, यहाँ 2 पर जाना है। तो 02 पर जाके आप फिर से एंटर करिए, तो ये क्या हो गया 0200। आप अपने ऑपरेशनल मेथड पैरामीटर्स जो है आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए पैरामीटर 02.00 सोर्स फॉर फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड। ओके, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहां जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले 02 सेट किया, फिर एंटर करा 00 पे। अगेन हम एंटर करेंगे तो ये इसके अंदर सिलेक्शन क्या है 01। अगर आप 04 कर देंगे एंटर तो देखिए एंड आ गया, और मोड पर जाएंगे एक बार और दो बार। तो देखिए ये क्या हुआ, अब मेरा इंटरनल जो पोटेंशियोमीटर है वो एज अ वर्क कर रहा है किसके फ्रीक्वेंसी के लिए। सो अगेन हम फिर क्या करते हैं, इसको प्रीवियसली जाके सेट करते हैं एंटर 02, फिर एक बार एंटर तो 00, फिर अगेन एंटर तो क्या हो गया 04। हम इसको किस पे सेट कर देंगे 01, और 01 क्या कहता है, देखिए जब आप 00 करेंगे तो कीप इट अप डाउन, यानी अगर आपने 00 सेट कर दिया इसको तो अप और डाउन, 01 सेट करने पर अप और डाउन से आप क्या कर पाएंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने क्या किया है वन टाइप किया है, ओके जैसे मैंने यहां वन टाइप किया है, 00 पर क्या था अप डाउन कीपैड है, वन टाइप करते ही क्या है AVI एनालॉग वोल्टेज इनपुट। और आप कहां से सेट करते हो ये AVI, देखिए यहां पर मैंने इसको किस पे सेट कर रखा है AVI पर। तो मैं अपने पैरामीटर्स को AVI पर ही सेट करूंगा। अगर यहां पर 2 डाल देंगे हम इसकी जगह, मान लीजिए जैसे मैंने यहां पर 02 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4 to 20 मिली एम्पेयर, और मिली एम्पेयर किससे जाएगा ACI से। ओके, अब मैं यहां पर अगर प्रेस कर देता हूं 3, तो देखिए 3, तो RS 485 या RJ 45, RJ 45 मेरे पास ये वाला जो टर्मिनल है ये इसके थ्रू मैं दे पाऊंगा। और अगेन अगर मैं यहां पर 4 प्रेस कर देता हूं तो डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर, तो ये जो है मेरा ये डिजिटल कीपैड है और ये उसका पोटेंशियोमीटर। तो मैंने यहां पर क्या सेट करना है 01, जो कि किस लिए है प्लस 10 वोल्ट या और AVI के लिए। तो एंटर एंड और मोड में गए हम एक बार और दो बार। तो देखिए अब मैं बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूं। सो ये 5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए इसके टर्मिनल्स जो है 1, 2, 3। सो हमने फर्स्ट टर्मिनल जो है वो कनेक्ट किया हुआ है किससे, इसके ACM यानी एनालॉग कॉमन से। जो सेकंड वाला टर्मिनल है वो हमने कनेक्ट किया है इसका AVI से, यानी एनालॉग वोल्टेज इनपुट से। ओके, और जो थर्ड वाला जो टर्मिनल है वो हमने कनेक्ट किया है अपना प्लस 10 वोल्ट से। ओके, फिर से मैं एक बार बताता हूं, फर्स्ट जो है वो हमने कनेक्ट किया है अपना ACM यानी कॉमन, सेकंड AVI, और थर्ड वन जो है अपना 10 वोल्ट। और इसकी जो फिगर है वो देखिए आप टॉप पर भी देख सकते हैं वीडियो की, कि ये हमने फिगर किस तरीके से इसको कनेक्ट किया है पोटेंशियोमीटर को अपने। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने ऑपरेशन बटन पर, कि हम किस तरीके से, देखिए जैसे मैं इसका बटन प्रेस करता हूं तो देखिए रन, यहां पर मेरा जो मोटर है वो रन पर आ गया, और मैं अगर इसको स्टॉप करता हूं तो देखिए स्टॉप हो रहा है, और देखिए रन क्या कर रहा है ब्लिंक, यानी अभी रन कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से स्टॉप नहीं हुआ, और देखिए ऑफ हो गया। सो अब मैंने जो एक्सटर्नल बटन को किस तरीके से इसमें सेट किया, अगेन वही ऑपरेशन मेथड पैरामीटर्स में जाइए। ठीक है, आप फिर से देखिए एंटर करेंगे, देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 0201, ये मैंने ही लिखा है। देखिए स्टार्ट स्टॉप सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड। ठीक है, ऑपरेशन कमांड कहां से देनी है, तो हमने 02 में गए,
जितने भी आपके ऑपरेशन पैरामीटर हैं वो किस में है, ग्रुप टू। तो यानी 02 क्या है, ये आपका ग्रुप टू। और ग्रुप टू के फर्स्ट में आप अगर जाते हैं एंटर करके 01 में जाते हैं तो ये आपको बटन सेलेक्ट करने के लिए कहता है। अगर आप 01 करेंगे तो एक्सटर्नली स्टॉप और रीसेट कर सकते हैं। अगर आप इसको 0 करेंगे और एंटर कर देंगे तो देखिए अब आप मोड में जाइए तो रन कहां से होगा, ये यहां से, और स्टॉप देखिए। अब मैं बाहर से कितना भी इसको रोटेट कर लूं, देखिए रन वाली जो एलईडी है वो ऑन ही नहीं होगी, देखा। सो ये इस तरीके से हमने इसको प्रोग्राम किया या इसका पैरामीटर सेट किया। अगेन फिर से देखते हैं, हम 02 01 में गए, एंटर करा और 01 डालते ही क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सटर्नली जो बटन हमने लगाया है उसके थ्रू ये इनेबल हो जाएगा। ओके, और जो हमने इसके कनेक्शन किए हैं बटन के, तो देखिए सिर्फ दो ही हैं लैच करने के लिए, यानी जो हमारा सिग्नल है वो किससे आ रहा है, MI1 से आ रहा है, और वो किस तक जाएगा, DCM तक। यानी अगर MI1 को और DCM को अगर हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, एज अ बटन काम करेगा और वो क्या करेगा, हमारे ड्राइव को रन मोड में ले आएगा। देखिए सो इस तरीके से हमने इसकी कीपैड को एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं हम। और जो थर्ड चीज है जो थर्ड पॉइंट है हमारा, कि देखिए जैसे ही मैं अपने इसको ऑन करता हूं तो देखिए ये इंडिकेटर चल जाता है, इंडिकेटर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर देखिए जैसे ही मैंने यहां से ऑफ कर दिया, लेकिन ये अभी इंडिकेटर चल रहा है, ये थोड़ी देर बाद ऑफ होता है। ये क्या दिखाता है कि जो मेरी मोटर है वो कंटिन्यूस अभी चल रही है। जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो क्या होता है, ये रिले से पिक होता है, मेरा सिग्नल इस रिले से पिक हो जाता है, रिले से पिक हो जाता है मेरा इंडिकेटर। तो इसको हमने किस तरीके से किया, इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमने इसको रिले यूज करा, जो कि ग्रुप 3 का फंक्शन है रिले के लिए। तो जब हम रिले में जाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर ग्रुप 3 फंक्शन के अंदर, तो देखिए 3 मल्टी फंक्शन आउटपुट रिले। तो जब आप यहां 0 प्रेस करेंगे तो नो फंक्शन है, 1 तो एसी ड्राइव का ऑपरेशन आ गया, 2 तो मास्टर फ्रीक्वेंसी अटेंड। तो हमने यहां पर क्या लिया है, 2 प्रेस किया है मास्टर फ्रीक्वेंसी अटेंड, और 9 यूज कर सकते हैं डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी अटेंड। तो मैंने यहां पर 9th वाला पैरामीटर सेट किया है अपने लिए, कि एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाए मेरा, जो मेरा एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी मैंने एंटर की है उस फ्रीक्वेंसी को आते ही क्या हो जाए, मेरी रिले पिक हो जाए और फौरन क्या हो जाए, मेरा इंडिकेटर ग्लो हो जाए कि ये आपने फ्रीक्वेंसी अटेंड कर ली है। तो इसके थ्रू मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपना आउटपुट ले रहा हूँ। सो किस तरीके से मैंने करा है इसको, 03 पर गए, देखिए 00 पर जाके फिर से एंटर किया तो देखिए मैंने यहाँ पर 09 डाला हुआ है। तो 09 किसके लिए है, डिजायर फ्रीक्वेंसी अटेंड के लिए है। देखिए यहाँ पे 09 किसके लिए है, डिजायर फ्रीक्वेंसी अटेंड के लिए। ओके, सो मैं बैक मोड में गया और डिजायर फ्रीक्वेंसी मैंने क्या डाली है, एक बार और प्रेस करेंगे तो देखिए 02 आ गया, एंटर करा तो डिजायर फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी, 1.50। ओके, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, मान लीजिए ये मैंने डाल दिया 2.50। ओके, एंटर, और मोड में जाके मैं फिर से बाहर आ गया और मैं इसको सेट कर देता हूं 1 पर। देखिए 2 पर मैंने सेट कर दिया तो देखिए मेरी रिले ये पिक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, रन तो हो गया मोटर लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। और जैसे ही मैं 2 से ऊपर गया तो देखिए पिक हो गया, और जैसे ही मैं 2 से नीचे आया ये बंद हो गया। यानी 2.5 से ऊपर जाते ही ये क्या हो जाएगा, हाई, और 2.5 से नीचे आते ही क्या हो जाएगा, ऑफ। देखिए तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने VFD को प्रोग्राम करने में। सो
उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेरी करी थी कि आप सर VFD के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, डेल्टा की या किसी की। तो मुझे लगा कि डेल्टा की इकोनॉमिकल है, सस्ती भी आती है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सो ये सारे नॉर्मल से पैरामीटर्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और कुछ ज्यादा स्पेशल पैरामीटर्स होते नहीं। आप सिर्फ क्या करिए, अगर आपको कुछ नया सीखना भी है तो कुछ मत करिए, आप उसकी कैटलॉग लीजिए और कैटलॉग में सिर्फ पढ़ना शुरू करिए। आप खुद उसमें समझ जाएंगे कि आपको कौन सी चीज से किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू।